साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज मैं बात करूंगी रेड क्रॉस का। आपको मालूम होगा कि इसका स्थापना हेनरी डुनेंट जी के द्वारा किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो हेनरी डुनेंट जी के द्वारा 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस का स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसे तीन बार यानी 1917, 1944, 1963 नोबेल पुरस्कार मिला है। रेड क्रॉस को तीन बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कब कब? 1917 में, 1944 में और 1963 में। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिए। कुल कितने बार? तीन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। रेड क्रॉस का मुख्य एम्बिशन क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युद्ध के समय या कठिनाइयों के समय, आपदाओं से, कठिन समयों से, कठिन परिस्थितियों से लोगों को राहत दिलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस हम कब मनाते हैं? तो 8 मई को। 8 मई को हम एवरी ईयर रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, जो कि इसके संस्थापक हेनरी डुनेंट जी का जन्मदिन भी है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप रेड क्रॉस से टोटली चीज़ जान गए होंगे कि इसका स्थापना 1863 में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे वो हेनरी डुनेंट थे। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। इसको कुल तीन बार नोबेल मिला है। तीन बार इसे नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। इसका मुख्य उद्देश्य है कठिन समयों में या युद्ध के समयों में कठिन समयों से राहत दिलाना, कठिन परिस्थितियों से राहत दिलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और प्रत्येक वर्ष हम रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। जो हेनरी डुनेंट जी हैं, जो इसके रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, उनका जन्म दिवस भी 8 मई को ही था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 8 मई को हम रेड क्रॉस दिवस के नाम से जानते हैं। आशा करती हूँ रेड क्रॉस से संबंधित चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियोज़ में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।